बिहार पंचायत चुनाव 2021 दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। आगामी 16 सितंबर को स्पूटनी का प्रक्रिया चलेगा, जबकि 18 सितंबर को नाम वापसी के साथ चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। आज इसी क्रम में दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत पहुंच चुके हैं, जहां पे राजनीति सरगर्मी पूरी तरह तेज हो चुकी है, क्योंकि लोग जो भी प्रत्याशी है वो नामांकन करवा चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन प्रत्याशी कितने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं पिंकी यादव के यहाँ, जो पिंकी यादव हरसिंहपुर से मुखिया पद के लिए अपना नामांकन करवाई है। मुखिया प्रत्याशी है पिंकी यादव। आइए हम इनसे प्रयास करते हैं इनसे जानने का क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा इनका, किस अधिकार के साथ मुखिया पद में ये चुनाव लड़ रही हैं, इनका क्या मुख्य उद्देश्य होगा। हम स्वयं पिंकी यादव से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और क्या लग रहा है हरसिंहपुर पंचायत में जहां आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? यहां दशकों से काबिज है जो मुखिया है, यहाँ के वर्तमान नहीं वर्तमान जो अभी मुखिया है वो दशकों से यहाँ सत्ता पे काबिज है। क्या लग रहा है कि आसानी से आप उनको उनके सत्ता से बेदखल कर पाएंगे? जी, कर पाएंगे। क्या मैनिफेस्टो है आपका, क्या उद्देश्य क्या है आपका चुनाव लड़ने का? मेरा उद्देश्य यही है, सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार की कमी है? जी हाँ, अभी भी कमी है। कैसे मानते हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ तो मुझे पता है कि यहाँ स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कमी है? स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन व्यवस्था नहीं है। तो कैसी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है या फिर दवा वगैरह यहाँ नहीं मिल पाता सही समय पे, क्या व्यवस्था नहीं? हमारे पंचायत में एम्बुलेंस होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। तो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं क्या? ये तो नहीं, अभी तक नहीं बैठते हैं। अच्छा, अच्छा। ये तो मुखिया का प्रतिनिधि का काम है जो टाइम से नहीं आते हैं नहीं जाते हैं। अच्छा, तो स्वास्थ्य के बाद आप शिक्षा पर कैसे आप जो है सो ध्यान देंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आप सवाल उठाए हैं, तो शिक्षा व्यवस्था क्या लग रहा है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, चौपट है क्या? जी हाँ, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चौपट है, जो टीचर लोग जो है सो टाइम से नहीं आते हैं, बच्चे लोग के शिक्षा अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, नहीं टाइम से जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मानते हैं कि इसमें पंचायत के प्रतिनिधि जिम्मेदार है? जी हाँ, इसमें पंचायत का प्रतिनिधि जिम्मेदार है। कैसे मानते हैं आप पंचायत के प्रतिनिधि? कैसे, ये जो है सो चेक नहीं करते हैं, मास्टर कब आए नहीं आए, बच्चे लोग को कौन शिक्षा देता है क्या नहीं देता है, तो प्रतिनिधि का काम है। चलिए, रोजगार के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि रोजगार के लिए आप क्या करेंगे यहाँ? मैं तो सरकारी नौकरी नहीं दिला सकती हूँ, छोटे छोटे मुद्दों के लिए मैं कोशिश करूँगी। तो छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे? जी, उसके लिए फिर क्या प्रयास करेंगे आप? अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी, प्रयास करूंगी। चूंकि आप एक महिला हैं और ये सीट भी महिला है, मुखिया पद के लिए आप नॉमिनेशन कराई हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? अगर मैं जीत जाती हूँ तो महिलाओं को पूरा सम्मान दिलाऊंगी, महिलाओं को सम्मान के लिए जहाँ भी जाना पड़े मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन महिलाओं को मैं सम्मान दिला करूंगी। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को अभी सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं। कैसे आप मानते हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा, कैसे? महिलाओं को सम्मान इसलिए नहीं मिल पा रहा है, जो पुरुष जाति लोग जो है महिलाओं को शोषण करते हैं, उसके पर्दे को पीछे रखते हैं, इसीलिए मतलब हम लोग पे भी कटाक्ष कर रहे हैं आप, यही ना? चलिए, तो आपको लग रहा है कि आप महिला हैं और महिला प्रत्याशी हैं, चुनाव अगर आप जीत जाती हैं तो क्या आपको पति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, मुझे पति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं खुद जाऊँगी। अच्छा, वो आप अकेले ही चुनाव जीतने के बाद पंचायत को हैंडल कर पाएंगी? जी, मैं कर लूँगी। है इतना दम आप में? जी, हमें इतना दम है। कैमरे पे बोल रहे हैं आप, है इतना दम? हाँ, मुझ
में इतना दम है जो ये महिला सीट है, ये पुरुष जाति लोग जो है जो महिलाओं को जो शोषण करते हैं जो शोषण नहीं करते नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुष तबका आपसे नाराज हो जाए? जब पुरुष जाति लोग का अपना अधिकार है तो महिलाओं को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए ना? और जब सरकार ही बराबरी का अधिकार दे दिया है तो यहाँ महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए? जी, महिलाओं को मिलना चाहिए जो पुरुष जाति लोग नहीं देते। चलिए, तो ये थी हमारे बीच हरसिंहपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी पिंकी। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद मैं महिलाओं के साथ जो शोषण होता है मैं उसे दूर करूंगी, महिलाओं को सम्मान दिलाऊंगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे इन्होंने बल दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। और रोजगार के लिए इन्होंने कहा है कि छोटे छोटे लघु उद्योग जैसे इनके पास में योजनाएं हैं जो शायद मैनिफेस्टो में ये अपने आप को क्लियर कर पाएंगे, अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद ये स्वयं पंचायत चलाएंगी, जैसा कि इन्होंने कैमरा पे खुद भी कहा है कि इन्हें पति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखना है कि यहाँ की जनता पिंक के कितना विश्वास करती है। वैसे तो अभी सिंबल नहीं आया है, 18 तारीख को सिंबल आएगा। सिंबल आने के बाद एक बार पुनः पिंकी यादव से हम मिलेंगे और फिर उसके बाद इनका मैनिफेस्टो जानेंगे, पंचायत के लोगों से मिलेंगे, पंचायत के लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और ये पंचायत के लोगों के लिए इनके पास 5 साल के विकास कार्य के लिए क्या कुछ एजेंडा है, हम इनपे भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।